चाय पीनी तो सीख ली अंग्रेजों से, पर अंग्रेज समझदार हैं। आज भी जैसे हिंदुस्तानी चाय पूरे यूरोप और इंग्लैंड में नहीं पी जाती है, हिंदुस्तानी चाय वो हिंदुस्तान में ही चलती है। आप कहेंगे जी वो कैसे पीते हैं, कभी भी वो देखना आप, चाय पत्ती को उबालते हैं वो लोग, ध्यान से सुनना, वो कभी चीनी को नहीं उबालते हैं, कभी वो दूध को नहीं उबालते हैं, दूध को अलग गर्म किया जाता है, चाय पत्ती को अलग उबाला जाता है और चीनी को अलग रखा जाता है। हमारे यहां तो क्या है ना, मलाईदार खाने की आदत है ना, हलवा खाएं खीर खाएं, वैसे ही चाय भी दही दूध दही पत्ती दही चीनी मिला दिया और उबाल दिया, और उसमें क्या इलायची अदरक मसाले सब चाहिए, सब डाल डुल करके बना करके टनाटन हम पीते हैं। मैं आपको बताऊं, हम चाय को और जहरीला बना देते हैं। वो कहते हैं ना करेला और नीम चढ़ा, वो वैसे भी जहर नुकसानदायक, उसको हम इतना नुकसानदायक बना लेते हैं कि जाकर के हानि करती है, तो करें क्या। वैसे तो चाय पीजिए मत, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप कहते हैं जी नहीं छोड़ी जा सकती है, मैं कहता हूं खाली पेट तो बंद ही कर दो, खाली पेट तो पीनी ही नहीं, उसके बाद भी चाय पीनी हो, यदि किसी मेहमान को पिलाना हो ठीक है, बर्तन दो तीन चाहिएगा, क्योंकि हमारे बार कई बार होता है कि इतने सारे भांडे कहां से लाएं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेहमान को चाय पिलानी भी हो सिर्फ चाय पत्ती को उबालिए, पत्ती को उबाल करके उसमें दूध को अलग उबाल करके उसमें मिला दीजिए, चीनी को ऊपर से मिला लीजिए। चीनी को उबाल करके लेना, जिस तरह से हमारे शास्त्रों में कहा ना कि शहद को उबाल करके नहीं लेना चाहिए, इसी तरह से चीनी को, ठीक है। आप कहेंगे जी जब चाशनी वगैरह बनता है, तो चाशनी वगैरह बनते समय मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चीनी को दूध में पकाना तो निश्चित रूप से और भी हानिकारक है, तो हमें बचना चाहिए। चाय पत्ती चीनी और इकट्ठे उबाल करके पीना, उससे और हानि होती है। तो चाय बनाने की विधि भी तो सीख लें। मुझे याद आती है वो सत्य कहानी है कि चाय की परंपरा हमारे यहाँ अंग्रेजों ने, जो बुजुर्ग बैठे हैं कुछ उनको तो स्मरण होगा, जबरदस्ती चाय पिलाने शुरू करी थी। पहले चाय पत्तियां फ्री में बांटी जाती थी, घर घर में जो है उनको पहुंचाया जाता था कि लोग चाय पीना, चाय पीने की परंपरा सीखें, किसी तरह से चाय का प्रयोग करें, ऐसा किया जाता था। तो अंग्रेजों के जमाने की बात है, एक हरियाणा का भाई वो फौज में चला गया, फौज में उसने चाय पीनी सीख ली, चाय पीनी सीख ली तो वहां से एक पैकेट खरीद करके घर ले आया, या फ्री में मिल गया फौज को, जो भी जैसा भी मिला उसको ले करके आया। लाने के बाद में भाई ने माँ को कहा, माँ तू चाय बना दे, मैं जरा नहा करके आता हूँ। वो तो अपने तालाब में नहाने के लिए चला गया, माँ को बोल करके गया, माँ चाय बना दे तू मेरे लिए। अच्छा, माँ ने देखा कि बेटा ले करके आया है, वो खोला पैकेट, देखा सारा पैकेट खोल करके, माँ को लगा ये काला काला दाना है, कोई सूजी टाइप कोई चीज होगी। अभी भी हमारे गांव में उत्तर भारत की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर तो दो ही पकवान आते थे पहले, तो या तो खीर या तो हलवा, दो ही चीजें खाई जाती थी। माँ ने सोचा बेटा कोई ऐसा सूजी के जैसे दाना दाना लेके आया है, उसको शायद बिल्कुल अच्छी तरह से कहीं हलवा की तरह बनाना होता होगा। तो माँ ने क्या किया, पहले जैसे हलवा के लिए सूजी को भूनती है ना मेरी माता है बहने, एकदम कढ़ाई पे लाल सुर्ख भून करके, फिर डाल करके चीनी दूध जो भी उसको चाशनी बना करके बढ़िया कटोरे में परोस करके तैयार। बेटा घर पहुंचा, बोले माँ चाय दे दे। बोले बेटे चाय रखी तो है। उसने कहा माँ चाय कहाँ है। उसने कहा बेटे तेरे कटोरे में ये रखी तो है, वो चाय तो है। यानी कि हमारी माँ बहनों को ये पता ही नहीं था कि चाय क्या बला है, वो हलवे की तरह से बनाकर धर दिया माता ने। तो ये जो चीज है, इससे पता चलता है कि हमारे को जबरन ये प्रवृत्तियां संस्कृतियां सिखाई गई। तो भरसक हम प्रयास करें, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से मैंने देखा कई घरों में, हम भी कभी कभी जाते हैं, कहीं जाना बहुत कम होता है, तो हमने देखा कि जहां हम जाकर के कभी किसी के घर में रहें तो सवेरे एक एलोवेरा का बोतल, एक आंवले का बोतल और एक गोमूत्र अर्क का बोतल वो साथ में रख देते हैं कि सुबह उठ करके, और आचार्य जी तो जरूर सब पीते होंगे तो अच्छा लगता है। हम न भी पिए पर हमें, हमारे मन को संतुष्टि होती है कि हमारा देश पुनः एलोवेरा और आंवले पे लौट आया, ये हमारे देश के लिए गर्व और गौरव की बात है।